वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। मैं आप सबके लिए दोबारा से कहानियाँ लेके आ गई हूँ और इस बार की कहानी का शीर्षक है कठफोड़वा की बुद्धि। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन एक जंगल में एक बाघ खाना खाने के बाद अपने दांतों में कुछ फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसको पता लगा कि वो तो एक हड्डी है। वो बहुत देर तक कोशिश करता रह गया कि वो निकल जाए, बट उसने हार मान ली। उसने कहा, अरे यार, अगर ये दांतों में से बीच में से निकलेगी नहीं हड्डी तो मैं खाना कैसे खाऊंगा। अब वो सोच में पड़ गया, चिंता में पड़ गया, पर वो हड्डी निकल नहीं पाई। आगे क्या हुआ सुनिए। दिन गुजरते गए और वो जो बाघ था वो कमज़ोर होता गया, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं, क्योंकि वो हड्डी अभी भी फंसी हुई है। तो पास वाले ही पेड़ में एक कठफोड़वा रहती थी। वो उड़ के आई और उसने पूछा, बाघ, तुम ऐसा अपना मुंह खोल के क्यों बैठे हो। तो बाघ ने सीधा इशारा करके दिखाया कि ये हड्डी फंसी हुई है मेरे दांतों के बीच में और मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। कठफोड़वे को एक आइडिया आया। उसने बोला, क्यों ना आप और मैं एक प्लान करें। और प्लान कुछ ऐसा था कि बाघ शिकार करके जानवर लेके आएगा और उसका थोड़ा सा हिस्सा कठफोड़वे को रोज़ देगा। दोनों ने ये प्लान मान लिया। आगे क्या हुआ अब वो सोचते हैं। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि जो कठफोड़वा थी, जो वुडपेकर थी, वो बाघ के मुंह के अंदर जाती है और वो हड्डी निकाल लाते, क्योंकि दोनों ने प्लान में मंजूरी दे दी, दोनों ने हाँ हाँ कर ली और दोस्ती कर ली थी। तो वो निकाल के ले आती है। बाघ बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, बड़े दिनों के बाद पेट पूजा करने का मौका मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। तो बाघ नाचता गाता शिकार करने चला गया। कठफोड़वा भी सोच रही, ओह आज मुझे भी कुछ अच्छे से खाना मिलेगा, बाघ मेरे लिए पकड़ के लेके आएगा, मुझे थोड़ा सा हिस्सा देगा उसमें से खाने का। अब कठफोड़वा सोच में बैठी रहेगी, वहाँ बाघ आता है शिकार लेके। कठफोड़वा खुश, अरे कितना बड़ा हिरन है, मज़ा आ जाएगा इसको खा के। तो शेर उसको खाने लगता है हिरन को। थोड़ी देर में कठफोड़वा पूछती है, बाघ तुमने मुझको नहीं दिया, हम दोनों ने तो प्लान किया था ना कि हम जब तुम शिकार करके आओगे तो मुझे उस जानवर का थोड़ा सा हिस्सा खाने के लिए दोगे, तो तुम मुझे दोगे। तो बाघ कहता, अरे कठफोड़वा मेरी बात सुनो, मैं हूँ एक शिकारी जानवर, मैं शिकार करके खाता हूँ। तुम्हें तो मैंने तुम पे दया करी है, जानती हो कैसे, क्योंकि जब तुम मेरे मुंह के अंदर आई हड्डी लेने के लिए, अब मैं शिकारी जानवर हूँ, मैं तुम्हें खा सकता था, पर मैंने तुम्हें खाया नहीं, मैंने तुम्हें जान दे दी, तुम्हारी जान बख्श दी, तो तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए, मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। कठफोड़वा को बहुत गुस्सा आया, ये सुन के कि जब हम दोनों ने प्लान बनाया, जब हमने ये तय किया कि मैं उसके मुंह से हड्डी तभी निकालूंगी जब वो मुझे शिकार करके थोड़ा सा हिस्सा अपने खाने का देगा, पर ये बाघ तो मेरे मुझे दे ही नहीं रहा कुछ। तो कठफोड़वा ने फिर प्लान बनाया कि कोई बात नहीं, ये बाघ को ना सोने दो, इतने पेट भर के इसने खाना खाया, इसको नींद तो बहुत अच्छी आएगी, मैं तभी कुछ इसको दिखाऊंगा करके। थोड़ी देर में बाघ सो गया, नींद आ गई थी उसको, क्योंकि उसने पेट भर खाना खाया था। और जैसे ही वो सोया, कठफोड़वा ऊपर पेड़ से वापस आई और उसने अपनी चोंच मार के बाघ की आँख निकाल ली। अब वो बाघ दर्द के मारे चिल्ला रहा था, चीख रहा था, उसने बोला, हे कठफोड़वे, ये तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसा, तुम इतनी क्रूअल क्यों, इतनी खराब क्यों हो, ऐसा तुमने मेरे साथ ही क्यों किया। तो वुडपेकर जो थी, जो हमारी कठफोड़वा थी, उसने कहा, सुनो बाघ, सिंपल सी बात है, एकदम साधारण सी बात है, अब मेरे पास है एक नुकीली चोंच, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने मतलब तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि मैंने तुम्हारी सिर्फ एक आँख खाई है दोनों की जगह, मैं तो दोनों भी खा सकता था, तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए मेरा, और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी
फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने हमारी मदद करी है तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसकी मदद करें। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।